मुख्तार अंसारी के परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज में ईडी उनके खिलाफ ईडी की जांच में उरई की एक दंपत्ति भी जुड़ गया है। शुरुआती जांच के दौरान पता चला है कि मुख्तार अंसारी ने अपने नेटवर्क के माध्यम से उरई में भी बेनामी संपत्ति अर्जित की है। इसके लिए उसने विकास कंस्ट्रक्शन नाम से एक कंपनी भी बनाई। सर्विलांस के माध्यम से दो बैंक अकाउंट का पता चला है जो उरई के एक दंपत्ति के हैं। इन्हीं खातों में मुख्तार अंसारी की रकम ट्रांसफर होने की पुष्टि हुई है। करीब 10 साल पहले सपा शासन के दौरान मुख्तार अंसारी के स्वजनों ने उरई में जमीन खरीदनी शुरू की थी। उरई के रंगौली क्षेत्र में 14 एकड़ जमीन खरीदी गई थी, पर सरकार बदलने के बाद उस जमीन को बेच दिया गया। प्रशासन इसकी छानबीन कर रहा था। इस बीच स्थानीय पुलिस ने ईडी को उन दो बैंक खातों की जानकारी उपलब्ध करा दी जिनका प्रयोग मुख्तार की मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया। दोनों बैंक खाते उरई के दंपति रीमा व सोहन के निकले। इन बैंक खातों में ही जमीन खरीदने के लिए मुख्तार अंसारी की रकम आई और फिर जमीन बिकने पर इन्हीं में रकम जमा की गई। खातों में कुल कितनी रकम ट्रांसफर हुई यह सार्वजनिक नहीं किया गया है। इतना जरूर बताया गया है कि मामला करोड़ों का है। बताया गया है कि 10 साल से विकास कंस्ट्रक्शन नाम से मुख्तार अंसारी की कंपनी जिले में एक्टिव है। ईडी ने इसकी करीब 25 करोड़ कीमत की दो संपत्तियां अटैच की हैं। मामले के खुलासे के बाद कंपनी से जुड़े सदस्यों की जमीन के सौदों का ब्यौरा रजिस्ट्री कार्यालय से निकाला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि जिन दो बैंक खातों का प्रयोग मुख्तार की रकम ट्रांसफर करने में किया गया था उनका विवरण देने में ईडी की सहायता की गई है।